लग्जरी लाइफ जीने की ऐसी ललक लगी कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा। जैसे तैसे 10वीं पास हुआ, रुपए कमाने की चाहत गांव से शहर ले आई। यहाँ नाना नानी थे तो सिर पर छत मिल गई, रेलवे के ठेकेदार के यहाँ काम भी मिल गया। यहीं से जिंदगी का ट्रैक बदला, वह रास्ता मिल गया जिससे उसके सपने पूरे होने वाले थे। यह कहानी है सतना जीआरपी को मिले उस युवक की जो खुद को जीआरपी का एएसआई बताता था। वर्दी में घूमता था आरोपी अंकित साकेत, निवासी मेहती की उम्र महज 19 साल है। उसे बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में 2 दिन पहले सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने उसे जीआरपी को सौंप दिया है। जिस वक्त अंकित पकड़ा गया था उस वक्त वह वर्दी में था, कंधे पर जीआरपी का बैच और सिंगल स्टार भी सजा था, यानी वह जीआरपी का एएसआई बनकर घूम रहा था। कोतवाली पुलिस जब अंकित को लेकर जीआरपी चौकी पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ भी चौंक पड़ा। जीआरपी ने नकली एएसआई के पास से वॉकी टॉकी भी जब्त किया, लेकिन वह भी उसकी ही तरह नकली निकला। पूछताछ शुरू हुई तो उसके साथ दिमाग ने कहानी बनाई और पुलिस को गोलमोल जवाब देने लगा। आरोपी अंकित पारिवारिक स्थिति और आर्थिक तंगी का हवाला देकर कहता रहा कि मजबूरी में दोनों युवकों को देवेन चौधरी और अतुल चौधरी से 31,000 रुपए लिए थे, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने जीआरपी को वह ज्वाइनिंग लेटर भी पेश किया था जो नकली पुलिस अफसर बनकर उसके दोनों चचेरे भाइयों को थमाए थे। लिहाजा जीआरपी ने उसकी बात का यकीन ना करते हुए जांच कर पूछताछ जारी रखी। आंखों में रईस बनने का सपना संजोए अंकित गांव से शहर पहुंचा। रेलवे ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का काम मिला तो उसने रेलवे के विभागों को जानना और अफसरों को पहचानना शुरू किया। वह IOW और CNW विभाग में आता जाता रहता। वहां अधिकारियों के रंग ढंग, बॉडी लैंग्वेज, बात करने के तरीके और रहन सहन को देखता रहता था। देख देख कर उसने अफसरों के रहन सहन, बोलचाल और यहाँ तक कि चलने का तरीका तक सीख लिया। जीआरपी ने जब नकली एएसआई बने अंकित की कुंडली के पन्ने पलटना शुरू किए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि अंकित सिर्फ नकली एएसआई ही नहीं, कभी लोको पायलट तो कभी रेलवे का इंजीनियर भी बन जाया करता था। इसके लिए उसने अलग अलग वर्दियां भी बनवा रखी थी, खिलौने वाला ऑनलाइन एक वॉकी टॉकी भी मंगवा लिया था। अंकित अलग वेश में अलग लोगों से मिलता था। उसके टारगेट में नौकरी तलाश रहे युवा हुआ करते थे। वह उनके सामने रेलवे अधिकारी का रुआब झाड़ा करता था। उसके झांसे में आने के बाद वह रुपए लेकर नौकरी दिलवाने का कहता था। जीआरपी चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर गोविंद त्रिपाठी ने बताया कि ठगी का अपना धंधा चलाने के लिए अंकित ने स्टेशन रोड की 2 ऑनलाइन दुकानों को भी अपने गिरोह का हिस्सा बनाए हुए था। रेलवे के फर्जी फॉर्म और जाली ज्वाइनिंग लेटर वह इन्हीं दुकानों से बनवाता था। अफसरों की सील भी उसने इन्हीं दुकानों के जरिए बनवाई थी। त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। 2 ऑनलाइन शॉप संचालक भी दायरे में लिए गए हैं। ठग अंकित ने 2 साल में कई लोगों के साथ ठगी की है। इनमें से 8 लोग शिकायत करने जीआरपी चौकी तक पहुंचे भी, लेकिन ठग अंकित के परिजनों ने उन्हें लिखित शिकायत करने से पहले ही समझा बुझा कर उनसे समझौता कर लिया। जीआरपी का बैच लगाए हुए एएसआई को गिरफ्तार किया गया था। उसने जो नौकरी लगाने के नाम से ठगी की है उसकी विस्तृत जाँच की जा रही है। उसका नेटवर्क कहाँ तक है, पहला है, उसके लिए विशेष विवेचना की जाए।